तमिलनाडु के लावण्या के लिए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की धरती से एबीवीपी ने आवाज बुलंद करते हुए मोर्चा खोल दिया है। एबीवीपी के कई दर्जन छात्र छात्राओं ने लावण्या को न्याय दिलाने के लिए आज प्रदर्शन करते हुए तमिलनाडु सरकार का पुतला फूंका और जस्टिस फॉर लावण्या को उद्घोष करते हुए जमकर नारेबाजी की है। तमिलनाडु के लावण्या का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन और हत्या मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। लावण्या नाम की उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए जहां तमिलनाडु में कई संगठन और आम नागरिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं अब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तमिलनाडु सरकार और ईसाई मिशनरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एबीवीपी के दर्जनों कार्यकर्ता अपने हाथों में विभिन्न स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर अम्बेडकर पार्क पहुंचे और एक गोष्ठी करके अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद एक जुलूस की शक्ल में मुरादाबाद कमिश्नरी चौराहे पर पहुंचकर तमिलनाडु सरकार का पुतला दहन करते हुए जमकर नारेबाजी की है। सचिन सिंह प्रांत सह मंत्री बीरठ प्रांत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुरादाबाद महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा ये प्रोटेस्ट चल रहा है। तमिलनाडु में जो एक स्कूल तमिलनाडु के स्कूल में एक छात्रा लावण्या नाम की छात्रा के संग जो उसे प्रताड़ित किया गया, एक धर्म को परिवर्तन करने के लिए उसे प्रताड़ित किया गया, उससे क्षुब्ध होकर उसने आत्महत्या कर ली, उसी को लेकर प्रोटेस्ट हमारा चल रहा है। और हमारी विद्यार्थी परिषद के लोगों ने जब वहाँ प्रदर्शन करा तो 35 लोगों की गिरफ्तारी हमारे विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं की हो गई है। तो इस तमिलनाडु सरकार के खिलाफ विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता यहाँ धरने पर बैठे हैं और पुतला फूंकने का कार्यक्रम हम करेंगे। पूरे भारत में एक साथ प्रोटेस्ट चल रहा है लावण्या, वी वॉन्ट जस्टिस लावण्या के लिए।